हेलो फ्रेंड्स, IRCTC इस बार आपके लिए गंगा सागर और जगन्नाथपुरी की एक साथ यात्रा कराने का मजेदार टूर पैकेज लेकर आया है। इस सस्ते और शानदार टूर पैकेज में आप भारत के चार धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे तथा पावन तीर्थ गंगा सागर में डुबकी लगाएंगे, यानी वहाँ की भी यात्रा करते हुए पवित्र संगम स्नान करेंगे। साथ ही साथ आप कोलकाता, कोणार्क और भुवनेश्वर की भी विजिट करेंगे, है ना मजेदार बात। इस वीडियो में हम आपको पूरी गंगा सागर हवाई यात्रा पैकेज की डिटेल्स बताएंगे। पहले इन तीर्थ स्थलों का महत्व बताएंगे और फिर टूर पैकेज के तहत यात्रा कहां से शुरू होगी, यात्रा पैकेज की दिनांक कौन कौन सी है, पैकेज कितने दिन का है, यात्रा के दौरान कब कब कहां कहां जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, यात्रा पैकेज में क्या क्या शामिल है, पैकेज का किराया कितना है तथा पैकेज की बुकिंग कहाँ से कराएँ, ये भी बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर अर्थात गंगा नदी और समुद्र का संगम स्थल। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब माता गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर आई, तब वह भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी। इस दिन मकर संक्रांति थी। माँ गंगा के पवित्र जल से राजा सागर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का भी उद्धार हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा सागर में स्नान और दान का जो महत्व है वह कहीं और नहीं है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। ओडिशा का तटवर्ती शहर पुरी भगवान श्री जगन्नाथ की नगरी है। जगन्नाथ भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का ही रूप है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। पुरी हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक है। पुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काष्ठ निर्मित मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदलने की परंपरा है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सारे पाप धुल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैकेज डिटेल्स। 3 रात्रि और 4 दिन के इस एयर टूर पैकेज की शुरुआत दिनांक 16 दिसंबर 2023 और 6 मार्च 2024 को राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से होगी। पैकेज के तहत आप कोलकाता, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर की यात्रा करेंगे। पैकेज में हवाई जहाज और बस से की जाने वाली यात्रा सहित होटल और भोजन की सुविधा शामिल है। दिसंबर 2023 में की जाने वाली यात्रा की फ्लाइट डिटेल्स इस प्रकार है। मार्च 2024 में की जाने वाली यात्रा की फ्लाइट डिटेल्स इस प्रकार है। यात्रा के दौरान आप 2 रात कोलकाता के होटल एरिस्टोक्रेट या सिमिलर होटल में रुकेंगे तथा 1 रात पुरी के होटल श्रीहरि या सिमिलर होटल में रुकेंगे। यात्रा कार्यक्रम। Day 1। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आप यात्रा के पहले दिन जयपुर से हवाई जहाज द्वारा कोलकाता जाएंगे, होटल में चेक इन करेंगे और कालीघाट टेम्पल की विजिट करने जाएंगे। होटल आकर डिनर लेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। Day 2। यात्रा के दूसरे दिन आप कोलकाता से टेम्पो ट्रेवलर्स द्वारा गंगा सागर की विजिट पर जाएंगे और शाम तक वापस कोलकाता आ जाएंगे, ओवरनाइट स्टे इन होटल एट कोलकाता। Day 3। यात्रा के तीसरे दिन सुबह आप कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचकर भुवनेश्वर की फ्लाइट से भुवनेश्वर पहुंचेंगे। वहां से बाई रोड कोणार्क सूर्य मंदिर की विजिट करते हुए पुरी जाएंगे। शाम को पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और रात्रि विश्राम पुरी होटल में ही करेंगे। Day 4। यात्रा के चौथे दिन आप भुवनेश्वर के फेमस लिंगराज मंदिर में दर्शन करते हुए एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जयपुर की फ्लाइट से जयपुर आएंगे। यात्रा पैकेज में क्या क्या शामिल है? इस पैकेज में शामिल है रिटर्न फ्लाइट जर्नी जयपुर टू कोलकाता, कोलकाता टू भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर टू जयपुर, साइट सीइंग एज पर आइटनररी एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर इन 12 सीटर AC टेम्पो ट्रेवलर ऑन शेयरिंग बेसिस,
accommodation in well appointed AC rooms in 3-star category or equivalent hotels. Meals 3 breakfast 3 dinners only as per itinerary. GST. यात्रा पैकेज का किराया। यदि हम इस यात्रा पैकेज के किराए की बात करें तो सिंगल ऑक्यूपेंसी पर प्रति व्यक्ति किराया है 41,265 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी 34,965 रुपए तथा ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 34,095 रुपए प्रति व्यक्ति। चाइल्ड विद बेड 5-11 ईयर 32,365 रुपए और चाइल्ड विदाउट बेड 30,255 रुपए। पैकेज के बारे में अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए आप इस एड्रेस पर या फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।